बहुत अमेजिंग है यार, जन्नत के साथ सीता गीता बुलाते हैं लोग हमें क्योंकि हम जब शूट नहीं कर रहे होते हैं, स्टंट नहीं कर रहे होते हैं, ऑफ कैमरा में हम हमेशा बैठ के चिल कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और हम पहले मिस चुके हैं, वियर्ड सा था, पता नहीं क्यों था, लेकिन अब हम उसके बारे में बात करते हैं तो हम हंसते हैं. सो वी हैव अ वेरी नाइस इक्वेशन, वी शेयर अ वेरी मतलब ब्यूटिफुल बॉन्ड. जैसे कि मैंने कहा सब हमें सीता गीता बुलाते हैं, तो हम सीता गीता ही हैं. हाँ, बाकी कॉम्पिटिटर की बात है तो यार सभी इस सीजन में ना बहुत टफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हर कोई अपनी लिमिट्स को पुश करके परफॉर्म कर रहा है. सो सभी हर एक कंटेस्टेंट हर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन. ओके शिवांगी, यू नो बाकी कंटेस्टेंट हमारी बात की है जहाँ पे यू नो सभी ने आपको टफ कॉम्पिटिटर कहा है, यू नो आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबका यूजुअली यही रिएक्शन आया है आपको लेकर, क्या कहना चाहो? बस डेफिनेटली हमने जन्नत के साथ आपका एक वीडियो भी देखा था जहाँ पर जन्नत ने कहा था कि यू हैव नेल्ड इट इन द स्टंट, आपने और जन्नत ने, क्या कहना चाहोगे? इज इट अ प्राउड मोमेंट फॉर सब, आपको बहुत टफ कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल यू नो आपको कहा गया है. सभी बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, सभी बहुत स्ट्रॉन्ग है. थैंक यू बोलना चाहूंगी सभी को जो ऐसे बोल रहे हैं, बट हर बहुत स्ट्रॉन्ग है. हमारे सीजन में अभी तक किसी ने अवार्ड तक नहीं किया यार, तो सब अपनी लिमिट्स को पुश करके सब सारे स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हैं. तो बस यार मैं भी ये बोलना चाहूंगी दैट ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट इज सुपर स्ट्रॉन्ग एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी. शिवानी, आपकी और फैजू की जो केमिस्ट्री है रील्स में वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर पसंद की जा रही है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ये हमने ना एक सॉन्ग किया था यहाँ पे आने से पहले, तो उसके बाद हमें हम लोग जब यहाँ पे मिले तो हमने डिसाइड किया कि हम पूरा हमारे सॉन्ग पे रील बना लेते हैं. एंड हमने रील बनाया एंड ही इज अ स्वीट स्वीट हार्ट, मतलब हमारी इक्वेशन बहुत अच्छी है, हम लोग बड़ी चिल करते हैं, हम सभी बहुत फूडी है, तो सब खाने की बातें ज़्यादा होती हैं यहाँ पे, क्या खाना है, कैसे खाना है, और फैंस आई थिंक सबको वर्कआउट टिप्स भी यहाँ पे देते रहते हैं, वर्कआउट भी देख सकते हैं. सो आज ही मैं सुन रही थी, पता नहीं किसी को बता रही थी कि कहाँ तुम जिम की बातें कर रही हो और ये खाना है वो खाना है बोल रही हो, तो बहुत मजा आता है यार. सभी लोग ना काफी, सबका अलग ही कैरेक्टर है. राजी रोहित शेट्टी एज या रोहित शेट्टी सॉरी रोहित शेट्टी एज कैसे लग रहे हैं, लाइक उनके मेंटलिंग में कैसा लग रहा है, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? He's an amazing host, wonderful human being, and उनके उनसे मिलके उनके सामने स्टैंड परफॉर्म करके आज बहुत मजा आ रहा है, और I'm sure आपको बहुत मजा आएगा. बाकी I think he's one of hosts and like मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, he's the master of action. हमने उन्हें खुद हमारे सामने कुछ एक थोड़े थोड़े एक्शन परफॉर्म करके देखा है, वी वर आल्सो अमेज्ड, मतलब दैट हाउ गुड ही वाज, गुड ही इज. सो मजा आ रहा है उनसे उनसे मिलके, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लगा. शिवांगी आपसे पूछना चाहना चाहूंगी कि अभी आपने जितने भी स्टंट्स देखे हैं, परफॉर्म किए हैं, उनमें से अगर आपको टॉप 5 चूज करने हों, आपके अलावा और कौन ऐसे टॉप 4 है आपकी नजर में, मतलब अगर आप टॉप 5 में आ गई तो आपके साथ और कौन 4 जन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टंट्स दैट हैव बीन परफॉर्मड राइट नाउ? ऑनेस्टली मैं अभी आपको ये चीज बोल रही हूँ और अभी आप शायद मानो ना मानो, बट जब आप एपिसोड देखोगे तब आप समझ जाओगे कि हर एक कंटेस्टेंट इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि कौन टॉप 5 में होगा कौन टॉप 5 में नहीं होगा ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जी हाँ मैंने किए हैं कई कई सारे स्टंट्स किए हैं, जहाँ मैंने अपने कई फोबियाज को ओवरकम किया है, एंड मजा आ रहा है यार. अपने आप में एक अलग एनर्जी, एक अलग मतलब अब समझ में आ रहा है कि हम ये मैं ये भी कर सकती हूँ, जो चीज़ मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी मैं ये कर पाऊंगी, और वो चीजें आप हम कर रहे हैं, तो मजा आ रहा है. इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस.
Well, शिवांगी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए साइन किया तब आपने ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पिछले सीजंस देखे होंगे, कुछ स्टंट्स देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने प्रिपरेशन थोड़ी बहुत शायद कर ही ली होगी, लेकिन जब आप एक्चुअली ऑन सेट थे जहाँ पे आपका स्टंट होने वाला था, तो हाउ वाज द फीलिंग दैट टाइम कि टीवी पर देखना और अब यहाँ पे स्टंट करना, क्या मन में कोई डर लग रहा था किसी स्टंट को लेकर कि ओ गॉड ये स्टंट शायद मेरे लिए सबसे खतरनाक को, मुझे डर लग रहा है कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और आपने उसे अच्छे से किया, ऐसी कोई स्पेसिफिक मेमोरी आपकी? यार ऐसे सारी स्टंट हैं जिन्हें सुनने से पहले आप डर जाते हो, सारी स्टंट बहुत डिफिकल्ट है, पर जब हम स्टंट कर लेते हैं ना उसके बाद एक अलग सी एडवेंचर फीलिंग रहती है कि यार हम ये कर पाएंगे, हम इमेजिन नहीं कर लेते कि हम ये कर पाएंगे, और वो हमने किया, अटेम्प्ट किया, स्टंट किया, पूरा उसकी फीलिंग ही अलग है यार। मतलब ऐसे तो मेरे फर्स्ट स्टंट मैं बता नहीं सकती आपको उसके बारे में अभी, बट मेरा फर्स्ट स्टंट तो मुझे मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि यार ये मैं ऐसा कुछ भी मैं कर सकती हूँ, मैं कर पाऊंगी, मुझ में इतनी हिम्मत होगी, बट वो अटेम्प्ट किया और बहुत ही सारी बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग थी जब उस टाइम के बाद मैं वापस आई, तो मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा था, और उससे ज़्यादा मुझे ये सोच के खुशी हो रही थी कि जब मेरे पेरेंट्स ये चीज़ देखेंगे तो विल बी सो प्राउड ऑफ मी, बिकॉज़ उनको पता है कि मुझे उस चीज से कितना डर है, बट स्टिल मैंने बिना डरे वो चीज़ अटेम्प्ट की। हाय शिवांगी, आपका और जन्नत का शो पर जानना चाहूंगी कि यू नो ये आपका रियलिटी शो है, वो भी खतरों के खिलाड़ी, एंड एक्टिंग करना एज अ डेली सोप एक्टर वो भी बहुत ज्यादा टफ टास्क होता है, लेकिन आपके हिसाब से अब आपके लिए क्या टफ है, एक्टिंग करके लोगों का दिल जीतना या रियलिटी शो पे स्टंट करके अपने फैंस का दिल जीतना?